परम शांति बाबूजी। बाबूजी आज हम साइंस, स्पिरिचुअल साइंस के बारे में बात करना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इनके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी है जो कि इन आँखों से दिखाई दे या दिखाई ना दे, विजिबल है, इनविजिबल है, जितनी भी टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया में आ रही है, तो ये साइंस और स्पिरिचुअल साइंस का क्या कनेक्शन है, क्या कोरिलेशन है, ये कैसे डेवलप हो रही है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब बात हम आपसे जानना चाहते हैं। देखो, पहले समझो कि साइंस क्या है। जी अभी जो साइंस डेवलप हुआ है जी वो स्थूल साइंस है, स्थूल मैटर से बना हुआ है। जी साइंस के जो साधन है स्थूल मैटर से है, ठीक है। इसलिए जो विजिबल जो दुनिया है, मतलब इनके जैसे कैमरे बने हैं, जिनके जो बने हैं बड़े बड़े, उनमें जो विजिबल दुनिया आती है, जैसे इन्होंने बनाए दूर दूर की गैलेक्सियां, जी तो उनमें जो विजिबल गैलेक्सियों में जो अग्नि तत्व से बनी हुई है, वायु तत्व से बनी हुई है, स्थूल तत्व से बनी हुई है, वो मैटर आती है उसके कैमरे में। जैसे मनुष्य की फिल्म आती है, मगर क्या सूक्ष्म जगत की, अलौकिक जगत की आती है। तो बाबूजी स्पिरिचुअल साइंस जो है, स्पिरिचुअल साइंस, जी जब स्पिरिचुअल साइंस किसके पास होता है, जैसे एलियंस आते हैं तो उसके पास स्पिरिचुअल साइंस है। अच्छा, मैं बीच में ये कहना चाहूंगा कि जब हम ये साइंस की बात कर रहे हैं तो जो स्थूल तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तो ये पांच तत्व मतलब ये साइंस, और जो आप स्पिरिचुअल साइंस जो मतलब इन आंखों से नहीं दिखता, हालांकि ये पांचों तत्वों का सोर्स जो है वो परम तत्व है, परम लाइट है, जैसा आपने हम सबको सिखाया है। तो ये स्पिरिचुअल साइंस क्या परम आकाश, परम अग्नि, परम वायु और परम लाइट और परम तत्व है? जैसे एलियंस आते हैं, जी एलियंस किससे बने, उसके साधन के पहले मैंने बताया ना। हाँ, आपका एलियन का बहुत बढ़िया वीडियो है, स्पिरिचुअल साइड ऑफ हाँ, तो एलियन। एलियंस जो बने हुए हैं जी वो स्पिरिचुअल साइंस माना अलौकिक मैटर से बने हैं। क्या उसकी मैटर क्या होती है? अलौकिक। अभी ये मैं अभी टीवी में देख रहा था कि एंशंट एलियंस में, जी कि ये जो हमारे पास जो एलियंस आते हैं, वो एलियंस जो बने हुए किसके बने हुए हैं, तो बोलते हैं कि आधा भौतिक आधा पराभौतिक। पराभौतिक क्या बोलते हैं? पराभौतिक, फिजिकल नॉन फिजिकल ऐसा कुछ कहें। हाँ, पराभौतिक माना जो भौतिक से परे है, मैटर से परे है, ओके, पर मैटर से पर परे है है। जी। कि जैसे बोला है कि हम इंसान को भी एलियंस बना सकते हैं, ओके तो बोला बताया कि हमारा जो इंसान का जो माइंड है जी वो, उसमें जो एनर्जी है सोचने की, या जो स्टोरेज आत्मा में एनर्जी, जो कंप्यूटर में जैसे स्टोरेज करते हो ना, जी ऐसे आत्मा में स्टे मेमोरी, हाँ तो बोले आत्मा की से जो साधन है, जो कंप्यूटर कर रहे हैं, तो ऐसे हम को आत्मा के अंदर कंप्यूटर फिट कर दे, ऐसे साधन फिट कर दे, जी तो वो मानव एलियंस बन जाएगा, एलियन जैसी अमर बन जाएगा। तो उसकी एलियंस की आधी, उसकी शरीर आधा भौतिक का होता है, आधा पराभौतिक माना अलौकिक होता है, परम तत्व की बॉडी होती है, ऐसा ये बता रहे थे। ठीक है। और एलियंस हमें दूर दूर से हमें इंस्पिरेशन देकर काम करा रहे नहीं, हैं। परम तत्व के बारे में तो बाबूजी पता नहीं है ना, वो तो आप बताते हैं कि मगर वो परम एलियंस तत्व, के परम तत्व एक के बार बारे में। बताऊं, तत्वों की दुनिया में रहकर मनुष्य परम तत्व की दुनिया की बारे में सोचना, समझना, ये बहुत मुश्किल है। जैसे अभी साइंस वाले आत्मा पर रिसर्च कर रहे हैं, आत्मा न कैमरे में कैद होती है न दिखाई देती, क्योंकि आत्मा किसकी बनी? आत्मा तो परम तत्वों की भी नहीं है, वो आत्मा तो परम आकाश की होती है, परम वायु की होती है, परम अग्नि की भी हो सकती है, मगर जो शिव की आत्मा है वो परम प्रकाश की बनी है। क्या बनी है? परम वो परम प्रकाश, आत्मा है। क्या है? परमात्मा, अब परमात्मा कैसे दिखाई, जब आत्मा ही साइंस के साधन नहीं दिख सकते, वो तो सही बात है। तो क्यों नहीं देख? तो इसलिए वो साइंस के साधन स्थूल तत्वों के, इसलिए साइंस है। और स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस माना अलौकिक तत्वों के साधन से, अलौकिक तत्व माना जैसे तीन तत्वों का साधन हो और उसके अंदर थोड़ी मात्रा परम तत्वों की हो, तो वो स्पिरिचुअल साइंस हो जाता है। तो स्पिरिचुअल साइंस, जैसे आप, एक बात बताऊं कि सूर्य हाइड्रोजन से चल रहा है, बिल्कुल हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होकर एनर्जी अग्नि रिलीज तत्व किया बनता गया। है, जी बिल्कुल। तो वायु तत्व से अग्नि तत्व में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी तरह अग्नि भी परम अग्नि में कन्वर्ट करो और परम अग्नि के तुम साधन बनाओ। जैसे आज उन्होंने गॉड पार्टिकल को ढूंढा, दो प्रोटॉन को मिल, तो वो परम अग्नि है, वो परम प्रकाश भी नहीं है। परम अग्नि कब होता है? जैसे हाइड्रोजन को विस्फोट करो तो हीलियम हो जाए, और हीलियम को भी विस्फोट करो तो वो
परम अग्नि होता है, तो हीलियम के साधन बनेंगे। अभी साइंस वालों की ये बुद्धि में आ रही है कि स्पिरिचुअल साइंस हम मतलब ऐसे साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप करें, ये सोच रहे हैं जी। कि हमारी हमारे साधन साइंस के साधन स्पिरिचुअल साइंस हो, अलौकिक साधन हो, तो एक गैलेक्सी के दूसरी गैलेक्सी में पल भर में जा सके। बाबू जी ये तो ठीक है, लेकिन जो इस धरती के ऊपर पॉल्यूशन होके जो एनर्जी पैदा हो रही है, इसकी जगह वायुमंडल से हमें लाइट बिजली सप्लाई होना शुरू हो जाए, तो उसके लिए साइंस को क्या करना चाहिए ये सब चीजें? देखो अभी एक बात बताऊं, स्पिरिचुअल साइंस डेवलप हो रहा है। मैं एक बताऊं कि एक बार मैंने रात को टीवी देख रहा था, बहुत टाइम पहले की बात है जी, कोई साउथ इंडियन था, तो उसने ऐसी एक छोटे से 10x10 इंच के लोहे पर कोई केमिकल लगा के वायुमंडल से एनर्जी को खींच के उसको 1 किलोवाट का बिजली पैदा की, ऐसे 10 पत्ते लगा दो थोड़े थोड़े, तो उसको ब्लैक बॉक्स बोल के उसके मुफ्त में वायुमंडल घर में लगा दो, वायुमंडल से एनर्जी मतलब 10 किलोवाट 20 किलोवाट ऐसे बिजली पैदा हो जाए घर घर में, ऐसा उसको सोचा था। मगर जो ये जो आजकल जो सबसे बड़ा टेरर किसका है, जैसे माफिया है ना, माफिया ग्रुप, तो बिजली माफिया है। बिजली माफियाओं ने उसने देखा कि अगर ये घर घर में ये बिजली माफिया हो जाएगी, बिजली पहुंच जाएगी, तो हमारी बिजली की कंपनियां सारी बंद हो जाएगी, तो बिजली माफियाओं ने उसका मर्डर कर दिया। तो ऐसी तरह एक बात बताऊं, नहीं एक बात बताऊं, मैं रियलिटी बताता हूं कि ये स्पिरिचुअल साइंस डेवलप क्यों नहीं होता। आज से पहले जो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने आकाश में से बिजली उतार कर टावर बनाया, ये पिरामिड क्या है, बिजली हाउस है, पावर हाउस है। स्पिरिचुअल से आकाश तत्व से ऊपर से बिजली आती है, उसमें बैठो तो एनर्जी मिलती है। तो तुम्हें ऐसी तत्व बना सकते हैं कि तुम्हें बिजली में घर बैठे तार की बिजली नहीं होगी, और ये बिजली से भी हाई क्वालिटी बिजली आएगी। और अभी ये ढूंढ रहे हैं एलियंस, जो स्पिरिचुअल एलियंस है, वो स्पिरिचुअल साधन बनाकर, ये साइंस के साधन बनाकर कर रहे हैं। तब ये जो ये कोयले बोयले कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई लेने वाला भी नहीं मिलेगा, ये बिजली का रूप रंग सब बदल जाएगा, और ऐसी बिजली होगी, और उसके साधन से जैसे उनको जाना है कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, ऐसे विमान बनेंगे, ऐसे यूएफओ बनेंगे कि 1000 लोग बैठ के जा रहे हैं, 1000 लोग यूएफओ में बैठ के जा रहे हैं एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, तो एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी के बीच में 25 लाख प्रकाश वर्ष का अंतर है। जैसे एंड्रोमेडा के पास जाना है तो 25 लाख प्रकाश वर्ष चाहिए, तो वो एक पल में पहुंच जाएंगे। कितने? एक पल में। अभी तो मंगल पे जाने का ही प्रॉब्लम है ना, मगर जब बदलने आएगा जी। आज से 100 साल पहले कोई टीवी देख सकता सोच सकता था नहीं, ये बिजली सोच सकता था 100 साल पहले भी था ही नहीं, नहीं सोच सकता था ना बिल्कुल। आज से 100 साल पहला पुरानी आत्मा धरती पर आकर देखे तो ये सब नई दुनिया लगे ना, बिल्कुल सही। अभी आने वाले थोड़े समय में 2050 तक देखना, ये दुनिया बहुत बदल गई होगी। उसमें परम तत्वों के साधन होंगे, बिजली भी परम तत्वों की होगी, ये सारी आजकल ग्रेविटी जो दिखने वाली भी ग्रेविटी के साधन बनाए हैं। अभी लेटेस्ट मैं टीवी देख रहा था थोड़े दिन पहले जी। तो ये जो ग्रेविटी आती है, तो विजिबल ग्रेविटी, ग्रेविटी जो दिखती है ना, वो हरी हरे कलर की दिखी उसको ग्रेविटी, तो ग्रेविटी दिखेगी आपको? नहीं दिखती। जैसे बिजली दिखेगी, बिजली का करंट दिखेगा? नहीं। जैसे वो तो साथ बल्ब जलाओगे तो आएगा ना, पता लगेगा ना कि बिजली है, बाकी बिजली वायु तत्वों में बिजली है दिखेगा? नहीं दिखता। तो ऐसी तरह ग्रेविटी भी साधन ऐसे बनाए कि ग्रेविटी दिखने लगी है। ग्रेविटी के धरती के जैसे ग्रेविटी है 200 किलोमीटर तक, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी है, धरती के 200 किलोमीटर तक तो धरती की ग्रेविटी है ना, तो उसके जो साधन बनाएंगे तो धरती की ग्रेविटी के साधन बनेंगे। मगर इससे भी बड़े साधन वो बना रहे हैं, अब बता रहे हैं डार्क एनर्जी से चलने वाले यूएफओ विमान। कैसे? एक बार एक साइंटिस्ट ने बताया कि हम डार्क एनर्जी से चलने वाले साधन बनाएंगे, उसको एंटी ग्रेविटी साधन कहते हैं। जैसे वो वॉर्म होल की बात कर रहे हैं ना, वॉर्म होल क्या है एक्चुअली? वॉर्म होल क्या है? एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने का एक रास्ता है, समझो वॉर्म होल है, ऐसे हर जगह वॉर्म होल है, अंतरिक्ष में वॉर्म होल तो होते ही है। तो मगर वॉर्म होल किसके बने? वो परम तत्वों के बने। अगर इस परम तत्वों के वॉर्म होल में तुम एंट्री कर लो तो दूसरे छोर पे पहुंच जाओगे, तो वो गैलेक्सी के दूसरे छोर में होगा, पहुंचते एक पल लगेगा। कैसे? तो ऐसे जो स्पिरिचुअल साइंस है,
स्पिरिचुअल साइंस माना अलौकिक साधन। देखो लौकिक अलौकिक और पार अलौकिक। लेकिन देखिए बाबूजी, ये तो बहुत आप जो बात कर रहे हो वो बहुत आगे की और बहुत ऊपर की बात है, लेकिन इस धरती पे अगर देखा जाए तो मनुष्य को जीवन जीने के लिए आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो पांचों तत्व है वही प्रॉपर नहीं मिल रहे। जमीन में 1,000 फुट नीचे पानी है, वो पानी लाने का प्रॉब्लम है, नीचे पानी कम हो रहा है, इधर वायुमंडल में इतनी नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है। तो इस 5 तत्वों को बदले ऐसा कुछ अगर ये हो तब तो कोई बात है। देखो 5 तत्वों को सिर्फ तुम परम तत्वों में परिवर्तन करो तो एक साथ में ही परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? जब परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूं तो परिवर्तन ऐसा गजब परिवर्तन होना है। क्या होना है? इंसान की सोच से भी परे। जब आपको बताया आगे वीडियो में जी कि जब ऑलमाइटी अथॉरिटी परिवर्तन करने के लिए गुप्त वेश में काम कर रहा है जी, तो क्या वो साधारण परिवर्तन करेगा? नहीं, वो तो ऑब्वियसली जो क्योंकि ये जो धरती पर है वो हद से परे, मतलब श्वास में वायु तत्वों में प्राणवायु नहीं है, खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है, हर जगह खाने पीने की समस्या है। मगर मृत्यु लोक में तो हर प्रॉब्लम होती है, धरती पर रहने जैसी नहीं रही। साइंस वाले बताते हैं इसलिए दूसरे ग्रह ढूंढ रहे हैं, दूर दूर के ग्रह में हम चले जाएं, कैसे जाएं। अगर इन्होंने अनुमान लगाया कि अगर हमें दूसरे 25 प्रकाश वर्ष दूर ग्रह हैं तो हमें जाने के लिए एक ऐसा साधन बनाए कि वहां 25 प्रकाश वर्ष दूर जाए, मगर कम से कम प्रकाश वर्ष की स्पीड में जाए तो 25 साल लगेंगे और मनुष्य वहां 25 साल में पहुंचते पहुंचते बीमार हो जाएगा, वहां दूसरे ग्रह पर एटमोस्फियर चेंज होगा तो हमारे ग्रह हमारे शरीर को बॉडी के अनुकूल नहीं आएंगे। बापू जी, इसके बीच में एक बहुत बड़ी बात मुझे याद आ गई कि जो इंटरस्टेलर करके फिल्म आई थी 1 साल पहले, तो उसके अंदर ये बताया गया था कि जब वो जो साइंटिस्ट ऊपर जाता है और वहाँ से जब वो वापस आता है तो यहाँ धरती पे 100 साल बीत गए होते हैं। उसकी जो ग्रांड डॉटर थी वो उससे बड़ी दिखती है और वो जो दादा था वो एकदम जवान दिख रहा था। तो क्या ये टाइम, समय, स्पीड जो है इसका कोरिलेशन, इससे कुछ पूरा अलग नहीं हो जाएगा ये सब जो देखो आप हमेशा साइंस वाले भी ढूंढ रहे हैं कोरिलेशन बिटवीन टाइम, स्पेस एंड स्पीड। तो समय किसके हिसाब से चलता है? देखो भारत के शास्त्रों में लिखा है काल चक्र, समय का चक्र। जैसे धरती पर जो समय है, जैसे तीसरे लोक में देवताओं का भूलोक, भूभ्रलोक, स्वर्लोक, स्वर्ग लोक में एक दिन होता था तब धरती पर 1 साल होता था। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि देवता लोक में 3 तत्वों का शरीर है। क्या है? दुनिया है 3 तत्वों की, इसलिए भारीपन कम है ना। तो जहां भारीपन होता है वहां समय धीरे चलता है, यहाँ 1 साल हो जाएगा वहां 1 साल। तो यहाँ स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल साइंस यहाँ कैसे डेवलप हो उसके ऊपर हम बात करेंगे। नहीं मगर समय भी परिवर्तन हो जाएगा। समय परिवर्तन हो जाए तो सबसे बढ़िया है। नहीं एक बात बताऊं, अभी एक बार बता के ये कौन सी वो मशीन ढूंढ रहे को? टाइम मशीन। अब एक बार मैंने देखा था टाइम मशीन के बारे में टीवी में। टाइम मशीन के अंदर तुम बैठ जाओ तो तुम आगे 50 साल आगे 50 साल पीछे हो सकते हो। लेकिन पीछे तो कैसे हो सकते हैं? आगे चलो शायद जा भी पाए, लेकिन जो पास्ट हो चुका है उसमें कैसे जाएगा इंसान? मगर टाइम मशीन के हो सकता है कैसे, मैं बताऊं? केवल एक जो अंदर आत्मा बैठी है हाँ। उसके लिए बात होगी ना, वो आत्मा आगे पीछे जाएगी, दुनिया तो आगे पीछे नहीं जाएगी ना। हाँ ये तो बात ठीक है। जो टाइम मशीन की कल्पना कर रहे हैं साइंस वाले ठीक है, मगर वो स्पिरिचुअल साइंस होगा तब होगा। मतलब अलौकिक तत्वों का साधन जब साइंस डेवलप करेगी तब वो ऐसा मशीन बनेगा कि उसके अंदर जब इंसान बैठेगा तो उसका 5 तत्वों का शरीर, वो जो मशीन बनेगा वो स्पिरिचुअल साइंस वाला होगा। स्पिरिचुअल साइंस वाला माना अलौकिक साधन वाला मशीन होगा। क्या होगा? जो कल्पना कर रहे हैं ना आज साइंस वाले भी जो कल्पना कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल एलियंस, जो कहते हैं ना आधे भौतिक आधे पारा भौतिक एलियंस, आधी बॉडी उसकी तत्वों की आधी परम तत्वों की बड़ी है, वो एलियंस इंस्पिरेशन देकर ये सारी चीजें उनको बुद्धि में लाते हैं, उसको इंस्पिरेशन देकर अच्छी अच्छी फिल्म भी बनाते हैं और कल्पना भी कराते हैं। ऐसी कल्पना करो, पहले तो कोई चांद पर सोच सकता चांद पे जाएंगे, मगर किसी ने कल्पना कराई ना? बिल्कुल बिल्कुल, किसने कल्पना कराई? और चांद पर वो बताया था कि चांद पर गए तो वहां भी उनको भूत देखे थे, तो उसको भी कल्पना में, किसी साइंस वाला की भी कल्पना में, सोच में, माइंड में लाना, ये
स्पिरिचुअल एलियंस का काम है। कौन है? स्पिरिचुअल एलियंस। स्पिरिचुअल एलियंस माना स्पिरिचुअल साइंस डेवलप कराएंगे। स्पिरिचुअल साइंस माना ऐसी दुनिया के साधन, स्पिरिचुअल साधन, अलौकिक साधन, भौतिक और आधे आदि भौतिक आदि पराभौतिक साधन ऐसे डेवलप कराएंगे। तो आपके हिसाब से टाइम मशीन भी आएगा? टाइम मशीन होगा, उसके अंदर ऐसा मशीन होगा कि जब वो मनुष्य बैठेगा तो वो लौकिक से अलौकिक उसका शरीर बदल जाएगा क्या? मैं बताऊं, लौकिक से अलौकिक बन गया ना, फिर इसने सोचा कि मैं 50 साल आगे कैसा होगा, तो 50 साल पहले उसकी आत्मा में 50 साल पहले की रिकॉर्डिंग पड़ी है, तो वो अपनी आत्मा में रिकॉर्डिंग करके दुनिया को देखेगा ना। मगर दुनिया तो ऐसी ही होगी ना, दुनिया थोड़ी बदल गई। आप समझ में आए? जैसे इसका एक एग्जाम्पल दो, जैसे रावण के पास दिव्य रथ होता था, जब युद्ध में अंदर दिव्य रथ होकर गायब हो जाता था, किसको दिखता नहीं था, ठीक है ना, तो दिव्य रथ किसको कहेंगे? दिव्य रथ माना अलौकिक रथ। तो अलौकिक रथ किसका बना हुआ था? अलौकिक शक्तियों से। अलौकिक शक्ति माना परम तत्व का। तो परम तत्व के रथ में जब रावण बैठेगा तो उसका शरीर भी अलौकिक बन जाएगा ना, तब तो उड़ पाएगा, नहीं तो पांच तत्व के वाला रावण उड़ पाएगा? ये तो बाबू जी भगवत गीता में भी बताया कि वो जो साल जो था वो कृष्ण के साथ लड़ाई हुई, तो उसको राक्षसों ने 3 यान दिए थे, उसके अंदर जब वो उसमें बैठ जाता था तो वो उसका शरीर जो है वायु का हो जाता था, और फिर वो हवा में यान के साथ उड़ता रहता था, और धरती पे द्वारका पे वो आग के गोले बरसाता था। हाँ, वो जिसको ये लेजर बॉम वगैरह बोलते हैं आज की भाषा में। कृष्ण अवतार के साथ जब कृष्ण के द्वारका पर भी अटैक हुआ, तो ऐसे बहुत, तो ये टाइम मशीन के अंदर ये आत्मा का शरीर बदल गया, उसकी रिकॉर्डिंग भी ठीक है, वो उस हिसाब से वो देख पाएगा। देखो, अलौकिक यूएफओ, हम यूएफओ नाम देते, बहुत अच्छा नाम है ना यूएफओ, अलौकिक यूएफओ, क्या अलौकिक यूएफओ? तो विमान, अलौकिक विमान, लौकिक विमान नहीं, लौकिक माना पांच तत्वों का, जो आज विमान देख रहे हो पांच तत्वों का है। अलौकिक विमान माना अलौकिक यूएफओ जो रावण के पास था, अलौकिक विमान कैसा? वो वायु तत्व से चलने वाला, और परम वायु तत्व से, परम अग्नि है उसका एनर्जी होते है, संकल्प शक्ति से चलने वाला, और फिर जब नजर हो तो गायब हो जाएगा। तो पहले तो ये कहते थे कि मंत्रों से चलता था। तो मंत्र विज्ञान क्या है? मंत्र विज्ञान समझो पहले। जैसे किसी को कोई भी एनर्जी चाहिए, जैसे भगवान विष्णु का काम है, उसको कोई मंत्र से भगवान विष्णु का काम है, कोई देवी देवता का काम है, कोई अग्नि देवता से काम है, कोई वायु देवता से काम है, तो उसके अलग 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 मंत्र होते थे, और जब मंत्र वो पढ़ते थे तो वो देवता सूक्ष्म में प्रकट होकर उसी को अलौकिक शक्ति प्रदान करते, और मंत्र की शक्ति माना अलौकिक शक्तियां उसको मिलती थी। अलौकिक शक्तियां माना मंत्र उच्चारण करने से वो देवता प्रकट हुए और उसको अलौकिक शक्तियां दी, और वो अलौकिक शक्तियां, ये अलौकिक विमान, अलौकिक शक्तियां जो जो है वो पहले हुआ करती थी और महाभारत तक थी, बाद में धीरे धीरे अलौकिक शक्तियां धरती पर धीरे धीरे नष्ट हो गई, खत्म हो गई, और देवता ही मनुष्य बन गए, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, सारे मनुष्य बन गए, सारे देवी देवता है। तो ये स्पिरिचुअल साइंस माना अलौकिक विज्ञान। कैसा विज्ञान? अलौकिक विज्ञान। अलौकिक विज्ञान आएगा तब सब कुछ बदल जाएगा। ये सूर्य की रोशनी भी अलौकिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अलौकिक। ये तत्व परम तत्व में, ये लौकिक जो है माना स्थूल तत्व, लौकिक माना स्थूल तत्व, व्यक्त और अव्यक्त माना अलौकिक माना परम तत्व की दुनिया बदल जाएगी। वो होगा, धीरे धीरे देखेंगे, और ये सब कुछ बदलने वाला है, धीरे धीरे बदलेगा। मगर जो दर्शक है वो ज्ञान सुने और ऑलमाइटी ऑथोरिटी को योग लगाए, मेरी योग की सीरीज सुने, ऑलमाइटी ऑथोरिटी से कैसे योग करे, योग से पावर मिलेगी, आत्मा को डिवाइन लाइट मिलेगी, परम प्रकाश मिलेगा। तो बाबूजी आपका कहने का मतलब ये है कि अगर सब जो हमारे जो ज्ञानी है, अगर ये ज्यादा इसके अंदर स्पिरिचुअल साइंस में जाए और वो परम तत्व की शक्तियों को धरती पे उतारे, तो इस धरती के ऊपर ही साइंस बदलता जाएगा और वो स्पिरिचुअल साइंस आ जाएगा, वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे इस दुनिया का विकास हो सकता है। देखो, साइंस अभी जो स्टेज में डेवलप हुआ है वो स्टेज है भौतिक विज्ञान। क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान।
भौतिक विज्ञान माना पांच तत्वों के साधन, कैसे थूल तत्वों के साधन, पांच तत्वों के साधन, और जो अलौकिक विज्ञान है वो होगा परम तत्वों के साधन। जैसे ये सोच रहे हैं ना, जैसे हीलियम के प्लेन बना रहे हैं या एंटी ग्रेविटी मैटर बना रहे हैं, डार्क मैटर ढूंढ रहे हैं, डार्क एनर्जी ढूंढ रहे हैं, ये सब साइंस वालों के शब्द के अंदर डार्क एनर्जी पड़ी, आकाश तत्व में डार्क एनर्जी है। तो वास्तव में देखा जाए तो डार्क एनर्जी क्या है, साइंस वाले जो कह रहे हैं डार्क एनर्जी क्या है कि जैसे सोलर एनर्जी, जैसे सूर्य की ग्रेविटी खत्म हो गई तो दो सूर्य के बीच में जो स्पेस है आकाश, वहां कौन सी एनर्जी है? आकाश तत्व स्पेस वैक्यूम, उसमें कुछ भी नहीं है ना, और जहां वैक्यूम में कुछ भी नहीं है वहां सब कुछ है, क्योंकि उसमें उसकी किसकी ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी माना पावर, किसकी ग्रेविटी होगी? जैसे सूर्य की ग्रेविटी खत्म हो गई, जैसे धरती की ग्रेविटी खत्म होती है तो सूर्य की ग्रेविटी आएगी ना, सूर्य की ग्रेविटी तो पूरे सोलर सिस्टम तक है। जैसे सूर्य की ग्रेविटी खत्म हो गई तो फिर वहां वो स्पेस में किसकी ग्रेविटी, कोई ना कोई तो एनर्जी, एनर्जी माना ग्रेविटी पावर आकर्षण शक्ति, तो वो वहां जैसे ये हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी की एनर्जी आएगी ना, बिल्कुल गैलेक्सी की एनर्जी, ग्रेविटी गैलेक्सी की, गैलेक्सी माना महाशिव की ग्रेविटी आएगी ना, गैलेक्सी की ग्रेविटी आएगी तब तो सूर्य घूम रहे हैं ना, बिल्कुल सूर्य सूर्य गैलेक्सी में किसके ग्रेविटी से घूम रहा है? तो जहां सूर्य की ग्रेविटी खत्म होती है वहां गैलेक्सी की ग्रेविटी आती है। तो ग्रेविटी माना पावर, जिसके पास पावर है तो कोई ना कोई ऐसी पावरफुल आत्मा है ना, ओके पावरफुल आत्मा है जिसको महाशिव कहते हैं, शिव कहते हैं, महाशिव कहते हैं, उसके पास परम प्रकाश है। तो पार अलौकिक, अलौकिक माना परम तत्व, लौकिक माना तत्व, तो तत्व आज तक भौतिक विज्ञान है, क्या है भौतिक, आगे चलकर अलौकिक विज्ञान होगा माना, और इससे आगे बहुत समय के बाद जब मल्टीपल यूनिवर्स चेंज हो जाएंगे तब पार अलौकिक विज्ञान आएगा। क्या आएगा? पार लोक अलौकिक विज्ञान। हाँ, एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स जाने के लिए एक पल भी नहीं लगेंगे, ऐसे सब कुछ बदलने वाला है। अगर आत्मा चाहे तो ये ज्ञान समझे, आत्मा को परमात्मा से योग करें और परमात्मा से पावर ले, अपने विकर्म विनाश करें और इस संसार में सुख शांति का अनुभव करें, परम शांति प्राप्त करें।